हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनेमिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 41 के आगे का सॉल्यूशन। 41 से पहले जितना भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उस सारे वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज RS अग्रवाल का क्लास 10 का एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है, देखिए ध्यान से, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट 4,150 रुपीज, वाइल वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 6,255। वाट इज़ द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड वाट इज़ द रिजर्वेशन चार्ज। देखिए यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजी है, बट थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको फाइंड क्या करने बोला गया है। आपको फाइंड करने बोला गया है वाट इज़ द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर, तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। और क्या फाइंड करने बोला है, वाट इज़ द रिजर्वेशन चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज को हम लोग वाई मान लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं यहाँ पर, जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लोग लेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, पहले फुल फेयर, बेसिक फुल फेयर चार्ज फाइंड करना है। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर बी रुपीज एक्स, यानी कि फर्स्ट क्लास का फुल फेयर जो है वो एक्स रुपीज है बेसिक का, और लेट द रिजर्वेशन चार्ज पर टिकट का जो रिजर्वेशन चार्ज है उसको हम लोग वाई मान लिए। आपको इसमें क्वेश्चन में दो तरह का चार्ज है, एक बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर चार्ज जो कि एक्स है, और एक है रिजर्वेशन चार्ज पर टिकट का, उसको हम लोग वाई मान लिए हैं। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, कि जो आपका हाफ टिकट का जो कॉस्ट है, हाफ टिकट का कॉस्ट को हम लोग एक्स मान लें, ठीक, हाफ टिकट का कॉस्ट ओके, और फुल टिकट का कॉस्ट जो कि वाई है वो कितना है, 4,150 रुपया है। इस तरह से तो हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले क्या हो गया आपका एक्स हो गया जो आपका हाफ टिकट का कॉस्ट है, प्लस में वाई जो आपका फुल टिकट का चार्ज है, दोनों मिला के कितना है, 4,150 रुपया है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। अब सेकेंड कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन में बोला गया है जो आपका हाफ टिकट है, तो हाफ टिकट आपका कितना है, एक्स प्लस वाई है, ये हाफ टिकट है, हाफ टिकट। और क्या बोला है आपको, इस हाफ टिकट का बेसिक का, ये बेसिक है, बेसिक फुल फेयर है, तो बेसिक फुल फेयर का हाफ, बेसिक फुल फेयर कौन है यहाँ पर, देखिए बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एक्स है, तो इस बेसिक फुल फेयर का हाफ यानी एक्स का हाफ क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा, प्लस में वाई ये फुल टिकट है, इन दोनों का जो प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट कितना है आपका, 6,255 है, ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन नंबर टू बना लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, यहाँ पर बाई में कुछ नहीं है तो वन हम लोग लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर भी बाई में कुछ नहीं है तो वन लिख सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम टू हो जाएगा, टू से टू कटेगा तो एक्स होगा, प्लस टू को वाई से इंटू करेंगे तो टू वाई होगा, इज इक्वल टू में 6,255। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई बट्टे में वन, प्लस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एक्स प्लस टू वाई बट्टे में इधर टू है, इज इक्वल टू 6,255। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम टू हो जाएगा, टू को एक्स से इंटू करेंगे 2x, प्लस टू को वाई से इंटू करेंगे 2y, प्लस टू और टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में x प्लस टू वाई बच जाएगा, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू में 6,255। अब 2x और प्लस x 3x हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 3x लिख लेते हैं, प्लस 2y और 2y 4y होगा, बट्टे में 2 है, इज इक्वल टू 6,255। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, अब टू को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 5 10 और कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 2 6 12, यानी 12,510 आया।
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 4 को x से इंटू करेंगे तो 4x होगा, प्लस 4 को y से इंटू करेंगे तो 4y, यानी 4x प्लस 4y। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 4x प्लस 4y, और देखिए यहाँ पर फिर हम लोग 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 0, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी कि 16600, 16600 ये आ गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये पूरे को, ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम होगा ये, एज इट इज रहेगा, उतार देते हैं इसको हम लोग। 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 12,510। ये पूरा जो है वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन है, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड काफ़ी अच्छे से सिखा दिया है। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर भी प्लस है, नीचे का साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 4x में 3x को माइनस करेंगे तो केवल x होगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। अब हम लोग इसको इसमें माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये 10 इधर से 1 कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 होगा, यहाँ पर बचेगा आपका 5, 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 होगा, तो 4090 ये आ गया आपका x का वैल्यू। ओके, अब इस x के वैल्यू में हम लोग क्या, इस x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ फ्रॉम 1 लिख लेते हैं, फ्रॉम वन तो इक्वेशन 1 में है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4150, तो x का वैल्यू आपका 4090 आया, प्लस में y इज इक्वल टू 4150, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4150, ये प्लस में है, इधर आए तो माइनस में हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 4150 में 4090 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका 60 आएगा। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू। आपको फाइंड क्या करना था, आपका बेसिक फर्स्ट क्लास का फुल फेयर टिकट फाइंड का जो कॉस्ट है वो फाइंड करना था, और रिजर्वेशन चार्ज फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका बेसिक फर्स्ट क्लास, हेंस आपको फाइंड करना था बेसिक फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास फुल फेयर, फुल फेयर इसको हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स का जो प्राइस है वो कितना आया आपका, एक्स का वैल्यू जो है वो 4090 रुपया आया, 4090 रुपया, ये हो गया आपका एक आंसर। और आपको रिजर्वेशन चार्ज फाइंड करना था पर टिकट का, रिजर्वेशन चार्ज पर टिकट, जिसको हम लोग वाई माने थे, तो वाई का जो वैल्यू है आपको 60 रुपया आया, 60 रुपया। तो ये आपका पर टिकट का जो रिजर्वेशन चार्ज है वो 60 रुपया है, ये आपको दो चीज़ फाइंड करना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 years हैंस अ मैंस एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, 5 years ago the man was 7 times as old as his son, find their present ages। काफ़ी ईजी क्वेश्चन, आप ध्यान से समझिएगा, एज का सारा क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से, इतना अच्छे से बताऊंगा कि आपको एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। देखिए इतना ईजी क्वेश्चन है ये, 5 years hence, याद रखिएगा कभी भी आपको hence बोलेगा तो आपको प्लस का यूज करना है, एग्ज़ाम में कभी भी आपको अगर ego का यूज़ करने बोलेगा, ego लिखा हुआ रहेगा तो आपको माइनस का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर आपको एक मैन है और एक उसका सन है, मैन का और सन का आपको प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो मैन का एज को हम लोग एक्स मान लेंगे और सन का एज को हम लोग वाई मान लेंगे। ओके, उसके बाद दोनों में जो कंडीशन अप्लाई करने बोला है उस कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं जैसे कि हर क्वेश्चन में करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लेट कर लिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स ईयर्स, यानी कि मैन का एज को हम लोग क्या मान लिए, एक्स ईयर्स मान लिए, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन
सन का प्रेजेंट एज को हम लोग क्या मान लिए, वाई मान लिए। सिंपल, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मैन का प्रेजेंट एज को एक्स मान लिए हैं और सन का प्रेजेंट एज को वाई माना है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, फाइव ईयर्स हैंस, क्या बोला है, फाइव ईयर्स हैंस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन फाइव ईयर्स हैंस। देखिए मैन का एज बोला है तो मैन का एज को हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं। हैंस का मतलब प्लस होता है, याद रखिएगा, कभी भी हैंस बोलेगा तो आपको प्लस का यूज करना है। तो हैंस की जगह हम प्लस लगा दिए, कितना ईयर हैंस बोला, फाइव ईयर्स ईयर्स, ये हो गया। फिर हम लोग इसी तरह से सन का निकाल लेते हैं, एज ऑफ सन फाइव ईयर्स हैंस। तो देखिए सन बोला है तो सन को हम लोग वाई माने हैं, वाई प्लस हैंस का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। कितना हैंस बोला है, फाइव ईयर्स, फाइव ईयर्स, ये दो निकल गया। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स प्लस फाइव और वाई प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव और वाई प्लस फाइव, ये लिख दिए। अब जो कंडीशन बोला है अप्लाई करते हैं। देखिए क्या कंडीशन बोला है, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 42 में, अ मैन एज विल बी थ्री टाइम्स, ए मैंस एज विल बी थ्री टाइम्स। मैन का जो एज है वो थ्री टाइम्स है दी एज ऑफ हिज सन, यानी कि मैन का जो एज है, ये मैन है तो मैन का जो एज है, इसका जो एज है वो थ्री टाइम्स है इस सन के, अपने पुत्र से। तो थ्री टाइम्स इसको बोला है तो थ्री टाइम्स हम इसको करेंगे, हमेशा ऑपोजिट करना है क्योंकि हमको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, इक्वल टू लगा हुआ है। तो ये थ्री टाइम्स है तो इसको थ्री टाइम्स करेंगे तभी ये क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन वन बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू, थ्री को वाई से इंटू करेंगे तो थ्री वाई हो जाएगा, प्लस थ्री को फाइव से इंटू करेंगे तो फिफ्टीन होगा। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस में थ्री वाई इधर आया तो माइनस थ्री वाई इक्वल टू ये फिफ्टीन, ये प्लस फाइव इधर आया तो माइनस फाइव। तो एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन में फाइव को माइनस करेंगे तो टेन होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह से हम लोग सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ बाय सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, देखिए यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में बोला है फाइव ईयर्स एगो, कितना ईयर्स एगो बोला है, फाइव ईयर्स एगो। उसमें बोला था फाइव ईयर हैंस तो इसमें बोला है फाइव ईयर्स एगो। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन, लेकिन कितना, फाइव ईयर्स, फाइव ईयर्स एगो। तो देखिए मैन का एज को हम लोग एक्स माने हैं, एगो का मतलब माइनस होता है, कभी भी एगो बोलेगा तो माइनस लगाइएगा। कितना ईयर्स एगो बोला है तो फाइव ईयर्स बोला है तो यहाँ फाइव लगा लेते हैं ईयर्स। उसी तरह से सन को मान लेते हैं, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन फाइव ईयर्स, फाइव ईयर्स एगो। तो देखिए सन के एज को हम लोग वाई माने हैं, एगो का मतलब माइनस होता है, कितना ईयर्स एगो तो फाइव ईयर्स ईयर्स, ये हो गया आपका। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जैसा पहले लिखे थे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू में वाई माइनस फाइव। अब जो कंडीशन बोला है उसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या कंडीशन बोला है 42 में, यहाँ पर बोला गया है, देखिएगा कंडीशन में, द मैन वॉज सेवन टाइम्स, मैन क्या है, सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब ये जो मैन है, मैन कौन है यहाँ पर, ये तो ये जो है वो सेवन टाइम्स है अपने पुत्र का, अपने सन का, तो सेवन टाइम्स ये है बट सेवन टाइम्स इसको करेंगे चूँकि हमको इक्वल करना होता है। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन टू बना लेते हैं। तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू, सेवन को वाई से इंटू करेंगे तो सेवन वाई हो जाएगा, माइनस सेवन को फाइव से इंटू करेंगे तो थर्टी फाइव होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस सेवन वाई इधर आया तो माइनस सेवन वाई इक्वल टू में इधर हो जाएगा माइनस थर्टी फाइव, और ये माइनस फाइव है इधर आया तो प्लस फाइव हो गया। तो एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, थर्टी फाइव में फाइव को माइनस करेंगे थर्टी होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस थर्टी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए y का कोफिशियंट माइनस थ्री है तो इसको हम लोग माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ y का कोफिशियंट माइनस सेवन है तो इसको हम लोग माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए माइनस सेवन को x से इंटू करेंगे माइनस सेवन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेवन को थ्री वाई से इंटू करेंगे तो ट्वेंटी वन वाई होगा, और माइनस सेवन को टेन से इंटू करेंगे तो माइनस सेवेंटी हो जाएगा। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, माइनस थ्री को एक्स से इंटू करेंगे माइनस थ्री एक्स,
माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 7y से इंटू करेंगे 21y होगा, और ये माइनस कट जाएगा, 30 को 3 से इंटू करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 7x माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 3y से इंटू करेंगे तो 21y होगा इज इक्वल टू माइनस 70 होगा इधर, और इधर हो जाएगा आपका माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 7 21y इज इक्वल टू आपका इधर 90 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 7x में 3x माइनस करेंगे तो 4x होगा, माइनस का साइन बड़ा है, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 160 होगा, ये माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू 160, और ये 4 जो है वो नीचे चलाएगा, 4 4 16, और ये 0 बच गया, तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 40 आ गया। अब हम लोग इस x के वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में है एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू में 10, तो x का वैल्यू 40 आया, तो x के प्लेस पे हम लोग 40 और माइनस में 3y इज इक्वल टू में 10, तो माइनस 3y इक्वल टू में 10 प्लस 40 इधर आया तो माइनस 40 हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 30, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30, और ये 3 जो है वो नीचे चलाएगा, ये 10 टाइम्स में कटेगा तो y इज इक्वल टू जो है वो 10 आएगा, ये y निकल गया। आपको मैन का और सन का एज फाइंड करना था, प्रेजेंट एज, तो हम लोग यहाँ पर हेंस में लिख लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मैन, तो मैन को हम लोग x माने थे, तो x का कितना आया, तो 40 आया, यानी कि मैन का कितना साल हो रहा है, 40 साल हो रहा है, और फिर प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन को हम लोग y माने थे, तो y का कितना आया, 10 आया, तो सन का कितना साल हो रहा है, 10 साल हो रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42, जो कि काफ़ी सिंपल था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 42 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।